आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस सरकार की इस बजट में निराशाजनक है, कुछ नया कुछ है भी नहीं। तो इसलिए इस बजट को हम कहीं से भी कोई तारीफ नहीं कर सकते। किसानों को ठगा, नौजवानों को ठगा, जो गरीब गुरुआ को भी इन्होंने ठगा, कहीं कुछ है नहीं। तो ये बजट झारखंड की जनता के साथ धोखा है, पूरी तरह से युवाओं के साथ धोखा है, झारखंड के जो किसान भाई हैं उनके साथ धोखा है, झारखंड की आम जनता के आम आवाम के साथ धोखा है। सरकार ने वादा किया था चुनाव में आने के पहले कि हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रति माह 5,000 ग्रेजुएट्स को और 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को देंगे, लेकिन आप जब देखेंगे इस बजट के पॉइंट संख्या 164 और पृष्ठ संख्या 33 पर, तो अब साफ साफ है कि सरकार ने नौजवानों को ठगा है और कहा है कि मैं साल में सालाना दूंगा 5,000 और 7,000, वो भी जो मात्र 3 साल पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए उनको दूंगा, और उनको दूंगा जो जिन्होंने नियोजनालय में बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मेरा मानना है कि अब मात्र 5,000 रुपये और 7,000 रुपये सालाना देंगे तो इसका अर्थ है कि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से ये मजाक बनकर रह गए, इसमें परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा जा सकता है, ये धोखा है पूरी तरह से। इसके इसी तरह आपने कहा था कि जो पारा शिक्षक हैं उनको परमानेंट करूंगा, आप देख लीजिए कि एक लाइन एक शब्द पारा शिक्षकों के संबंध में इस बजट में कहीं नहीं, आप देख लीजिए आप पाएंगे तो। जो पारा शिक्षक हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर उनको चुनाव में सहयोग किया था उनके साथ भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। सड़कों के क्षेत्र में हमारी सरकार ने लगातार 5 सालों में अपना बजट रखा 1500 से 2000 करोड़ के आसपास, इन्होंने मात्र 500 करोड़ रखा है। इसका अर्थ है कि या तो आप मान रहे हैं कि रघुवर दास जी की जो सरकार थी उसने सड़क में पूरा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अब सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर सड़क आपकी प्राथमिकता।